गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार बिस्या, आई एम द टीचर ऑफ करोड़ा इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, है ना। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य में हम लोग आज पढ़ेंगे पांच आषाढ़ के वादक, है ना। आषाढ़ के वादक, देखिए आषाढ़ के वादक, जिसे आषाढ़ के महीनों में क्या कहते हैं, जैसे जून और जुलाई में इसका महीना का आरंभ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आकाश अक्सर क्या होता है, काले बादल, आकाश में क्या होता है, अक्सर काले बादल छाए रहते हैं, ठीक है। हम लोग आषाढ़ के बादल में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जब वहाँ पर बादल छाए रहते हैं, काले काले बादल छाए रहते हैं, और जब वो बादल बरसते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो चारों ओर जो पेड़ पौधे होते हुए हरे भरे हो जाते हैं, और जो जमीन जो होती है, जो धरती होती है, वो क्या होता है, घास से मैंने क्या होती है, वो भी मैंने ढक जाती है, ठीक है, और चारों ओर क्या होता है, हरियाली छा जाती है, ठीक है। इनके जो आषाढ़ के बादल के जो कवि हैं, उन्होंने बिपिन बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से क्या, देखिए इस कविता के कवि ने आषाढ़ महीने जून जुलाई में होने वाले बरसात का सुंदर वर्णन किए हैं। अब देखिए, सजे की मांग धरती की, बजे की धान की पायल, कि फिर मोती लुटाने आ गए आषाढ़ के बादल, है ना। हवाएं गा उठी सरगम, मयूरा नाचता छम छम, नई कजली सुनाने आ गए आषाढ़ के बादल, कि अलगोजे बजाने आ गए आषाढ़ के बादल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फलक क्या, परस्पर क्या, सजे की मांग धरती की, बजे की धान की पायल, कि फिर मोती लुटाने आ गए आषाढ़ के बादल। मैंने कभी इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आषाढ़ के बादल जब बरसते हैं, तो क्या होता है, सजे की धरती की मांग, इसका अर्थ क्या होता है, सजे की धरती की मांग का अर्थ है कि खेतों में क्यारियों का बनना और पौधों का उगना। मैंने जब आषाढ़ के बादल जब बरसते हैं, तो जो धरती, जो बंजर धरती होती है, वो क्या होते हैं, मैंने उस बरसात से क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। बजे की धान की पायल, अब जब वो क्या होता है, वो जो खेत होता है, वो खेत में क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, धान के जो पौधे होते हैं, ठीक है, धान के जो पौधे होते हैं, क्या हो जाएगा, धान का मतलब क्या हो गया, सरदार, इसके सरदार क्या हो जाएगा, धान। अब देखिए इसका धान का मतलब क्या हो गया, धान का मतलब हो गया चावल की खेती, है ना, चावल की फसल, धान का मतलब क्या हो गया, चावल की फसल, ठीक है, इसका अर्थ हो गया। अब देखिए, जैसे आषाढ़ में जब बारिश होती है, तो प्यासी जो धरती रहती है, जब धरती का जो बंजर रहती है, है ना, क्योंकि गर्मी के बाद क्या होता है, वर्षा होती है, तो जितने भी पेड़ पौधे में एक नई जीवन आ जाता है, हरे भरे हो जाते हैं, और जो खेतों में जो चावल यानी जो धान होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लहलहा उठते हैं, अगर उसमें जो दाना होते हैं, जो धान जो होते हैं, जो धाना होता है, उसको हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पायल की तरह उसका आवाज निकलता है ना, क्योंकि अच्छा फिर मोती लुटाने आ गए, क्योंकि आषाढ़ के बादल में क्या होते हैं, वे जो बूंद गिरते हैं, वे मोटे मोटे बूंद गिरते हैं, ठीक है। हवाएं गा उठी सरगम, मयूरा नाचता छम छम, हवाएं मतलब हवा, हवा क्या है, हवा जो क्या होता है, जो जब चलती है हवा, क्या होता है, वो मन बहुत तेजी से जब चलती है, वो एक तरह का क्या होता है, हमें सुनना महसूस होता है, आवाज महसूस होता है, जिसमें क्या होता है, मोर बनों में पंख फैला कर क्या करते हैं, वो नाचते हैं, ठीक है, कि नई कहा नई कजली सुनाने आ गए आषाढ़ के बादल, है ना। अच्छा, कि अलगोजे बजाने आ गए आषाढ़ के बादल, मतलब आषाढ़ के महीने में बादल में सरगम के धुन, कजली जैसे गीत और बांसुरी जैसे धुन क्या होता है, सुनाने आ गए। मैंने कहने का मतलब यह कि आषाढ़ के बादल जब तेज हवा चलती है, उससे क्या होता है, वो जो उसके जो हवा से जो क्या होता है, जो मधुर आवाज भोज निकलती है, वो क्या होता है, वो कजली सुनाने के लिए आ गए। कजली मतलब क्या होता है, कजली मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार का गीत, कजली मतलब एक विशेष प्रकार का गीत, है ना, एक विशेष प्रकार का गीत, एक विशेष प्रकार का गीत, एक विशेष प्रकार की गीत, है ना, ये कजली एक विशेष प्रकार का गीत क्या होता है, हमें सुनाने आ गई, ठीक है। हाँ, तो नई कजली सुनाने आ गए बाढ़ के बादल, की अलगोजे बजाने आ गए आषाढ़ के बादल। मैंने कहने का मतलब कजली का मतलब क्या हो गया, एक विशेष प्रकार का गीत,
अब देखिए अलगोजे बजाने आ गए आषाढ़ के बादल। अलगोजे मतलब क्या होंगे, एक प्रकार की बांसुरी। जब जब आषाढ़ के महीने में जब तेज जोरों से जो हवा बहती है ना, जो पेड़ पौधे के जो थरथराहट से जो आवाज आती है वो क्या होता है, बांसुरी के समान। कभी कहते हैं कि इसकी आवाज किस तरह से मतलब बांसुरी के समान हमें महसूस होता है। ठीक है, बजाती बिजलियां मादल बनाती क्यारियां मंदल। बजाती बिजलियां मादल, ठीक है, मादल मतलब क्या हो गया, ढोल। मादल मतलब ढोल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं मादल, ठीक है, मादल, मादल मतलब, मादल मतलब हो जाता है इसका ढोल। बिजलियां बनाती मादल क्यारियां मंगल, कि जैसे हाथियों का दल चला वो चिरता जंगल, गगन सिर पर उठाए आ गए आषाढ़ के बादल। अब देखिए बजाती बिजलियां मादल है ना, मादल का मतलब क्या, ढोल। मनाती क्यारियां मंगल, जैसे बिजलियां, जो बिजलियां जो बरसात जो आषाढ़ के महीने में जो बिजलियां चमकती है, जो बादल के टकराने से बिजलियां जो चमकती है, उनकी आवाज क्या होते हैं, मैंने क्या होता है, मैंने ढोल की तरह पे महसूस होता है। ठीक है, और जैसे हाथियों का दल चला वो चिरता, हाथियों का दल क्या जाएगा, बादल जैसे मस्त हाथियों का दल जंगल की ओर है ना चिरता आगे चले जाता है, उसी तरह से क्या होता है, बादल भी क्या होता है आसमान में विचरण करते हुए क्या होते हुए आगे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, चिरता हुआ जंगल, क्यारियां मंगल, और बिजलियां जो चमकती है उसे क्या होता है, हमें क्या होता है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है। और उसकी जो आवाज आती है, जो बिजलियां से जो आवाजें निकलती है वो क्या होती है, वो ढोल के समान हमें सुनाई पड़ती है।